Standard 7th chapter, science 1, lenses. So what are lenses? What is a lens? Dekho, lens kya hai? Pehle yahan par hum log line to line jayenge taake each and everything samajh mein aaye. You must have seen lenses. You must have seen lenses used in day-to-day life. Some examples are the lenses used by old person for reading, lenses embedded in the front door of house, the lenses which the वॉचमेकर अटैच टू हिज आइज एक्सेट्रा. देखो डे टू डे लाइफ में हमने लेंसेज का यूज देखा है. कहाँ देखा है? ओल्ड बूढ़े लोगों के चश्मे में, यंगस्टर्स भी पहनते हैं, ठीक है, चश्मे में लेंसेज यूज होती है. जो लोगों को दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता एक्सेट्रा, तो दे यूजेस लेंसेज. लेंसेज एम्बेडेड, फिर फ्रंट डोर में एक छोटा सा लेंस लगा होता है दरवाजे के बीच में, सेंटर में लेंसेज रहता है टू पीप आउटसाइड, मतलब बाहर कौन खड़ा है उसको देखने के लिए. इसके अलावा और कहाँ लेंस देखा होगा? वॉचमेकर के पास देखा होगा. वॉचमेकर अपनी एक आंखों में लेंस फिट करके रखते हैं, बिकॉज वॉच के पार्टिकल्स, वॉच में जो छोटे छोटे चीज़ें, जो वॉच में जो मटेरियल लगता है, जो स्मॉल स्मॉल मशीन्स लगती है, बहुत स्मॉल साइज की होती है, तो इसके लिए दे यूज़. इसके अलावा ENT के पास देखा होगा. ENT मीन्स ईयर्स नोज त्रोथ के जो डॉक्टर्स होते हैं, या आई स्पेशलिस्ट के पास लेंसेज देखने को मिलती हैं, यानी डॉक्टर्स जो नोज के और त्रोथ के और ईयर्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास होता है देखने को, वहाँ पे देखा होगा लेंसेज. तो व्हाट इज दिस लेंस? लेंस है क्या? ठीक है, तो लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मों में भी, चश्मा स्पेक्स में भी लेंसेज होती है. और बूढ़े लोगों को जो रीडिंग के लिए दे यूज लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है. यू ऑल कैन सी कॉन्वेक्स लेंस, मैं यहाँ पे मेरे हाथों में जो यूज़ कर रहा हूँ, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस. ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइज, मैग्नीफाई करता है, ठीक है. सो बूढ़े लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं फॉर रीडिंग पर्पस. इसके अलावा स्पेक्स में, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मों में यूज़ होता है. दे आर ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप एज यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. और टेलीस्कोप में भी लेंसेज यूज़ होती है. टेलीस्कोप जो, देखो दो तीन चीज़ों में फ़र्क समझ लो. टेलीस्कोप जो स्टार्स, दूसरे प्लैनेट, दूसरे ग्रह को रीड करने, देखने के लिए यूज़ होता है, जो दूर की चीज़ों को करीब देखने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप. और जो छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप. तो चैप्टर के एंड में टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप आएगा. नेक्स्ट, अ लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय, देखो यहाँ पे लेंस का डेफिनेशन है. तो दिस इज द डेफिनेशन, मैंने यहाँ जो मार्क किया है वो डेफिनेशन है. यानी इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज लेंस, तो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस. तो आंसर भी स्पॉट पे बाहट हो जाएगा अगर ध्यान दोगे तो. लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम का होता है जिसमें दो सरफेस बाउंडेड रहते हैं, दो सरफेस बाउंड रहते हैं, यानी जुड़े हुए रहते हैं. द लेंसेज विच हैव टू स्फेरिकल सरफेस अप पफ्ड अप आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. देखो जिसमें दो सरफेस बाहर की तरफ फुले हुए होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, दिस आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. लेंस जिसमें पफ्ड आउट रहते हैं, देखो मेरे पास जो लेंस है उसमें बाहर की तरफ एक साइड निकला है, एक साइड प्लेन है, वन साइड पफ्ड आउट है. पफ्ड आउट मतलब बाहर निकला हुआ, और एक साइड प्लेन है. सो दिस इज सेकेंड टाइप, प्लेनो कॉन्वेक्स. मेरे पास जो लेंस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स. You all can see प्लेनो कॉन्वेक्स. अगर दोनों साइड पफ्ड आउट होता, दोनों साइड बाहर होता, तो वो बाई कॉन्वेक्स होता, बाई कॉन्वेक्स. एक साइड प्लेन है, एक साइड पफ्ड है, तो बाई कॉन्वेक्स, ठीक है. आगे देखते हैं, जो लेंस में द लेंसेज विच हैज टू स्फेरिकल सर्फेस विच आर पफ्ड अप, पफ्ड अप मतलब स्वेल्ड, फुला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है मिडल पार्ट, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है. पफ्ड आउट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं. दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू एजेस. ये जो लेंस होती है ये सेंटर में मोटी होती है और एजेस में पतली होती है. इसके एजेस थिन होते हैं, एजेस थिन होते, थिन. और सेंट्रल पार्ट थिक होता है, थिक, THIC, ठीक है, थिक. सो सेंट्रल पार्ट थिक होता है और एजेस थिन होते हैं. मैंने यहाँ पे याद रखने के लिए शॉर्ट में लिख दिया है. बिकॉज डिस्टिंग्विश में दे आक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन में बार बार पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. तो ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है.
कॉनकेव में मिडल पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है वो दबा हुआ होता है और एजेस थिक होते हैं, ये थिन होता है, ये पार्ट THIN थिन होता है, थिन, और ये पार्ट थिक होता है, ठीक है, थिक, एजेस थिक होते हैं और सेंट्रल पार्ट थिन होता है, फॉर व्हाट, कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में इसका उल्टा होता है, सेंट्रल पार्ट थिक होता है और एजेस थिन होते हैं। तो डिस्टिंग्विश के यहाँ पे पॉइंट्स है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, जिसका सेंट्रल पार्ट पफ्ड हो आउटवर्ड्स और एजेस थिन हो, ठीक है, और कॉन्केव लेंस किसे कहते हैं, कॉन्केव लेंस जिसके एजेस थिन हो, जिसके एजेस थिक हो, थिक, एजेस थिक, ठीक है, और सेंट्रल पार्ट थिन हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस। अभी इसमें समझना ये है, अगर दोनों साइड पे पफ्ड है, अगर दोनों साइड पे सेंट्रल पार्ट फुला हुआ है और एजेस थिन है तो बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स, और एक साइड प्लेन है एक साइड पफ्ड है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। उसी तरह से ये कॉन्केव देख सकते हैं, देखो यहाँ पे दो पार्ट हो गया, लेफ्ट साइड सारे कॉन्वेक्स है, राइट साइड सारे कॉन्केव है, अगर दोनों साइड से मिडल पार्ट सेंट्रल पार्ट दोनों साइड से दबा हुआ है, इनवर्ड है, इनवर्ड, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस, और अगर एक साइड प्लेन है और एक साइड से दबा हुआ है दैट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्केव, सॉरी आई सेड गलती से, मैंने इसको कॉन्वेक्स, इट्स कॉन्केव, दोनों साइड से सेंट्रल पार्ट दबा हुआ है दैट इज कॉल्ड बाई कॉन्केव लेंस, दोनों साइड से सेंट्रल पार्ट दबा हुआ है दैट इज कॉल्ड बाई कॉन्केव लेंस, और एक साइड से दबा हुआ है और एक साइड से फ्लैट है, स्ट्रेट है, प्लेन है, दैट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्केव, ठीक है, बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव। अब ये दो अलग है, इसे कहते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस, इसे कहते हैं नेगेटिव मेनिस्कस, ठीक है। समझना कैसे है पॉजिटिव, देखो ये स्पेक्स में यूज होता है, स्पेक्स चश्मों में, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मेनिस्कस, इसका भी ये पार्ट थोड़ा सा थिन होगा, ये पार्ट थोड़ा सा थिक होगा, ये पार्ट थिक होगा, ये पार्ट थिन होगा, यहाँ पर ये पार्ट थिक होगा और ये सेंट्रल पार्ट थिन होगा, लेकिन ये डबल कर्व है, दोनों यहाँ पे बोल सकते हो आउटवर्ड तो है लेकिन ये साइड भी इनवर्ड है, और ये साइड इनवर्ड है तो ये साइड आउटवर्ड है, ठीक है। सो पॉजिटिव मेनिस्कस कॉन्वेक्स के लिए और नेगेटिव मेनिस्कस कॉन्केव के लिए, ऑलराइट। सो लेट अस गो लाइन बाय लाइन, थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं, या नेक्स्ट। सो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड विद डेफिनेशन ऑफ लेंसेज, ये डेफिनेशन है लेंसेज का, और दो टाइप की लेंसेज यहाँ पे हमने देखी, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है। कॉन्वेक्स में तीन टाइप है, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, पॉजिटिव मेनिस्कस। कॉन्केव में भी तीन टाइप है, बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव और नेगेटिव मेनिस्कस, ऑलराइट। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज आर शोन इन फिगर 7.2, अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड ट्वाइस व्हाइल पासिंग थ्रू अ लेंस, वंस व्हाइल एंटरिंग द लेंस एंड वंस व्हाइल गेटिंग आउट ऑफ द लेंस, ठीक है। मैं नोटबुक ले लूँ ताकि आपको ड्रॉ करके भी दिखाता जाऊँ। देखो जब रे ऑफ लाइट, दो टाइप की लेंस तो हमने समझ ली, अभी रे ऑफ लाइट दो बार रिफ्रैक्ट होती है, कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट ट्वाइस, रे ऑफ लाइट दो टाइम रिफ्रैक्ट होती है। लेट मी ड्रॉ एंड शो यू, सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड सपोज दिस इज अ कॉन्केव लेंस, मैंने दोनों बाजू बाजू में ड्रॉ किया है ताकि यॉल कैन ईजली अंडरस्टैंड। कॉन्वेक्स लेंस सेंट्रल पार्ट थिक है, एजेस थिन है, ठीक है, और कॉन्केव लेंस सेंट्रल पार्ट थिन है, एजेस थिक है। अभी जब रे ऑफ लाइट इसमें एंटर होती है तो जिस जो पॉइंट पे वो एंटर होती है वहाँ पर बेंड होती है, और फिर जहाँ से बाहर आती है वहाँ पर और बेंड होती है। रे ऑफ लाइट जब कॉन्वेक्स लेंस में एंटर होती है, एंटर हुआ यहाँ से रे ऑफ लाइट, तो ये पॉइंट पे बेंड होगी, ठीक है, और जो पॉइंट पे वो आउट आ रही है वहाँ पे और बेंड होगी। तो रे ऑफ लाइट दो बार बेंड होती है, कॉन्वेक्स लेंस में या कॉन्केव लेंस में रे ऑफ लाइट दो बार बेंड होती है, ठीक है, एक बार एंटर होते वक्त, एक बार बाहर निकलते वक्त। उसी तरह से कॉन्केव लेंस में भी जब रे ऑफ लाइट एंटर होती है वो बेंड होती है, और जब वो बाहर निकलती है वो और बेंड होती है, ठीक है, दोनों पॉइंट पे बेंड होती है। रे ऑफ लाइट जब एंटर होती है लेंस के अंदर वो बेंड होती है, बेंड, इट गेट बेंड्स, बेंड हो गई, और जब वो बाहर आती है वो और बेंड होती है, तो दो पॉइंट पे बेंडिंग होता है, यही लिखा है। अच्छा, खास बात बता दूँ
कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्यों? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे जमा करता है और ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। कैसे कन्वर्ज करता है, लेट मी शो यू। देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 81। ये कॉन्वेक्स लेंस है, सारी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस सारे एक पॉइंट पे जाके गैदर हो रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज यानी गैदरिंग हो रही है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, बहुत सारे बच्चों ने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, कंफ्यूज थे कि कन्वर्जिंग लेंस क्या है। तो कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसमें रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज। इसमें दो ही ड्रॉ है, यू ऑल कैन ड्रॉ मोर। रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है और ये पॉइंट पर आकर देखे डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है। रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है एंड देखे डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब फैल जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। अगर इसको उल्टा ड्रॉ किया जाए तो ये पॉइंट ऑफ फोकस मिलेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ फोकस अटेंड होगा अगर इसको रिवर्स में ड्रॉ किया जाए। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सो लेट्स कंटिन्यू हमारा जो टॉपिक, हमारा हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है, पेज नंबर 80 के ये पॉइंट तक हम लोग डिफरेंट टाइप से यहाँ से कंटिन्यू करना है। सो रे ऑफ लाइट दो बार रिफ्रैक्ट होती है, एक बार एंटर होते वक्त और एक बार इमर्ज होते वक्त। इमर्ज मतलब बाहर आते वक्त। द डायरेक्शन ऑफ रे चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, और रे की जो जो रेज है, लाइट की रेज है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है इस ये दो बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से। बोथ द सर्फेस ऑफ मोस्ट लेंस आर पार्ट ऑफ स्पीयर। देखो ये जो लेंस है इसके अंदर दो सर्फेस है, ज़्यादातर वो स्पीयर के पार्ट है। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस दो स्पीयर का हिस्सा है। कैसे दो स्पीयर का हिस्सा है, लेट मी शो यू इन माय नोटबुक। देखो कॉन्वेक्स लेंस दो स्पीयर का हिस्सा है, ये मेरी कॉन्वेक्स लेंस है, ऑलराइट। तो ये दो स्पीयर का हिस्सा है, अगर मैं इसे कर्व ड्रॉ करूँ तो एक स्पीयर बनेगा, ठीक है, और उसी तरह से मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ तो और एक स्पीयर बनेगा, ठीक है। तो दो स्पीयर का हिस्सा है, दो स्पीयर के कर्व आर्क मिलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस बनती है, ठीक है। दिस इज स्पीयर वन एंड दिस इज स्पीयर टू, ऑलराइट। उसी तरह से कॉनकेव लेंस भी दो स्पीयर का हिस्सा है। तो नेक्स्ट डायग्राम इधर है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये दो स्पीयर का पार्ट है, ये एक स्पीयर, ये एक स्पीयर। तो यहाँ पे स्पीयर वन एस वन लिखा है, यहाँ पे स्पीयर एस टू लिखा है। उसी तरह से कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, तो ये भी दो सर्कल, दो स्पीयर का हिस्सा है। ये एक स्पीयर मैंने यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया हुआ है टेक्स्ट बुक में, और ये स्पीयर टू, ऑलराइट। सो लेट्स सी आगे देखते हैं। अब इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, क्या है वो डेफिनेशन। सी वन सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहते हैं, ये जो इमेजिनरी स्पीयर मैंने बनाया है, या आप समझ, दिस इज इमेजिनरी लेंस, इतनी है लेंस के आर्क को अगर हम आगे ड्रॉ करेंगे तो एक स्पीयर जैसा ड्रॉ हो जाएगा और वो स्पीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट फर्स्ट स्पीयर का सी वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड स्पीयर का सी टू, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंस के एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ, आगे के आगे टॉपिक में डेफिनेशंस है, देखो, और एग्जाम में आता है वो, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ स्पीयर हुज पार्ट फॉर्म्स द सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। लेंस जो स्पीयर का पार्ट है उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लेंस का आर्क, ये जो लेंस है, लेंस ये जिस स्पीयर का पार्ट है उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर से जो लेंस तक का डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते क्या है। द सेंटर ऑफ स्पीयर हुज पार्ट फॉर्म्स द सर्फेस, जिसका पार्ट सर्फेस बनता है लेंस का, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ लेंस विद बोथ सर्फेस स्फेरिकल हैव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी वन एंड सी टू। अगर दो साइड, अगर दो कर्व कर्व वाला लेंस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा सी वन सी टू। जैसे ये दो साइड वाला है,
ठीक है, तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 एंड C2, ये एक ही वाला है तो इसमें एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, प्लेनो कॉनकेव में, प्लेनो कॉन्वेक्स में एक ही आएगा। जैसे आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, या मैं वो भी ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये लेंस है जो प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, माई पेन इज नॉट वर्क, या दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं ये स्पीयर का, ये वाले स्पेरिकल पार्ट का स्पीयर बना सकता हूँ, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, बट ये पार्ट तो प्लेन है, इसका स्पीयर नहीं बनेगा, तो इसका एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा C1। लेकिन अगर दो दो साइड है, दो साइड स्पेरिकल है, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे C1 एंड C2। तो हियर इज द डेफिनेशन, C1 एंड C2। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस R1 एंड R2 ऑफ स्पीयर, सॉरी यस, फिर से मोबाइल थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूँ, या नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द रेडियस R1 एंड R2 ऑफ द स्पीयर हुज पार्ट फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। R1 R2 जो रेडियस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला तो उससे जो डिस्टेंस रहेगा लेंस तक के कर्व सरफेस का, ठीक है, उसको रेडियस कहते हैं। रेडियस, रेडियस सबको पता है, सेंटर से सर्कल की रिंग तक। तो R1 R2 दो रेडियस है, ठीक है, डायग्राम में भी देख सकते हैं, R1 यहाँ पे कॉनकेव लेंस का, R1 और R2, और इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस का, R1 एंड R2, ठीक है। R1 दिया है सेंटर से लेके डिस्टेंस, और R2, मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस आर डेफिनेशन विच आर आस्क्ड, ठीक है, एग्जाम में दे आस्क द डेफिनेशन फॉर 1 or 2 marks, सो आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग, ताकि योला देखो, जो लोग अभी लाइव नहीं है डोंट वरी, दे कैन वॉच द वीडियो, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। सो R1 R2 आर दी रेडिया ऑफ दी हुज पार्ट फॉर्म्स द सर्फेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड, सेम डेफिनेशन है, बस रेडियस R1 R2। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सेस, इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल ऑप्टिक सेंटर से भी पास होगी उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, देखो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस पी। एन इमेजिनरी लाइन, यहाँ नहीं ड्रॉ किया, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, विच पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस पी। ऑलराइट, और ये नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर लेंस का सेंटर, लेंस पियर है वो सब नहीं, जो कर्व लेंस है उसके सेंट्रल पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिक सेंटर। जो लेंस है उसके सेंट्रल पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिक सेंटर ओ। तो नेक्स्ट डेफिनेशन था, नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑप्टिक सेंटर ओ। तो हियर इज द डेफिनेशन, राइट। सो ऑप्टिक सेंटर द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो मैं बता चुका हूं, इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर से पास होती है। नेक्स्ट, ऑप्टिक सेंटर क्या है, द पॉइंट इन साइड द लेंस, लेंस के अंदर का पॉइंट, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेस पासिस विदाउट चेंजिंग देयर पार्ट। ऐसा पॉइंट जिससे लाइट रेस जब पास होती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना बेंड हुए वो पास होती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस। ऑलराइट, देखो यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर वापस समझ सकते हो, जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास होगी वो बेंड नहीं होगी, वो डेविएट नहीं होगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। अगर लाइट, ये देखो लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो ये पॉइंट में एंटर होते ही वो रिफ्रैक्ट होगी, फिर और रिफ्रैक्ट होगी ऐसा। लेकिन जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, सीधा चले जाती है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है वो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, लाइट का डायरेक्शन ये था लेकिन लेंस से बाहर आते वक्त उसका डायरेक्शन ये हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लेकिन ऑप्टिक सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट पास होगी वो बेंड नहीं होगी, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर। देखो यहाँ पे भी एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है वो बेंड नहीं हो रही है, सेम यहाँ पे भी एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है बेंड नहीं हो रही है, सिमिलर फॉर कॉनकेव लेंस। सो ऑप्टिक सेंटर समझना जरूरी है और ईजी है। द पॉइंट इन साइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस थ्रू विच लाइट रेस पासेस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, मतलब अपना रास्ता चेंज किए बगैर, अपना डायरेक्शन चेंज किए बगैर लाइट रेस पास हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर। राइट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस। इन फिगर 7.4 रेस P1 एंड
देखो ये फिगर मैं बता चुका हूँ, उसके बारे में यहाँ लिखा है, तो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम आगे चलते हैं। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस समझना बहुत इजी है, डायग्राम देख लो समझ जाएगा, ध्यान से देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ पे सारी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होती है जो पॉइंट पे, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ पर जो पॉइंट पर सारी रे ऑफ लाइट गैदर होती है, जमा होती है, उसे कहते हैं उसका फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस में आफ्टर रिफ्रैक्शन जो पॉइंट पे सारी रे ऑफ लाइट गैदर होती है, मतलब जमा हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं फोकल लेंथ, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फोकल लेंथ नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। ये फोकस पॉइंट है, ये फोकल लेंथ है, ऑलराइट। अच्छा, ये जितना डिस्टेंस है उतना ये साइड से भी डिस्टेंस लेंगे, तो दोनों साइड पे दो फोकल लेंथ हमें दिखाई पड़ेगा, दो फोकल लेंथ सॉरी दो फोकस पॉइंट, हर लेंस के दो फोकस पॉइंट रहते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। कन्वर्जिंग लेंस में राइट साइड पे रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होती है और इसे कहते हैं फोकस पॉइंट। डाइवर्जिंग लेंस में, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती है, यानी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती, लेकिन अगर हम उसका बैक ड्रॉ करें, हम अगर एक हर एक रेज को इमेजिनरी करके बैक ड्रॉ करें, तो उसका भी एक फोकस पॉइंट मिलेगा, फोकस पॉइंट। और ये पॉइंट से ऑप्टिक सेंटर तक के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, ठीक है। ये ऑप्टिक सेंटर से फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को या प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस मापा जाएगा और इसे कहते हैं फोकल लेंथ, और ये पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का अपोजिट साइड पे रहता है, ठीक है, जहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही है वो कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, गैदर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव लेंस में रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती है, तो अगर हमें उसका फोकस पॉइंट चाहिए तो हमें सेम साइड पर इमेज बनाना होता है, मतलब इमेज लाना होता है, ठीक है, बाय रिफ्लेक्शन, बाय इमेजिनेशन करके भी ला सकते हैं और नेचुरल भी मिलता है। नेक्स्ट, सो बाय दैट आई हैव कवर्ड ऑल द डेफिनेशन, ठीक है। अभी जो मैंने डेफिनेशन कहा फोकस पॉइंट का, वो यहाँ पे यही लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ से यहाँ तक लिखा है, दिस इज फॉर कॉन्केव लेंस, और फिर कॉन्वेक्स लेंस सॉरी, और नेक्स्ट कॉन्केव लेंस का अलग लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर मैंने गलती से कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव कहीं बोल दिया है तो मेक इट अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत सिंपल है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्केव, ऑलराइट। सो दोनों का फोकस पॉइंट, इसका फोकस पॉइंट जहाँ पे सारी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, जहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड पे रहेगा, और दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस, इसमें रेज ऑफ लाइट स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, और अगर इसका इनका बैक ड्रॉ करे या सेम साइड पे इमेज लाने की कोशिश की, सेम साइड पे, तो इसका फोकस पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस मिलेगा, और डिस्फोकल लेंस सेम है, ठीक है, चाहे कॉनकेव लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ का डेफिनेशन सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। नेक्स्ट, एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दिया हुआ है, यॉल कैन डू इट, मतलब वो डिस्कशन के लिए दिया है कि यॉल कैन रीड एंड डिस्कस इट। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। देखो हम लोग जो रे डायग्राम, हमने जो हम जो रेस कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, उसको हम लोग डायग्राम्स के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स उसका रे डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको ड्रॉ करने के लिए देर आर सम रूल्स, ठीक है, दिस इज रूल वन, रूल टू एंड रूल थ्री। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है वो रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का रे डायग्राम। नाइन्थ में हमने रे डायग्राम किया था रिफ्लेक्शन, नाइन्थ में मिरर चैप्टर में स्पेरिकल मिरर चैप्टर था, उसमें हमने रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम किया था। बहुत सारे बच्चों ने स्किप किया होगा, आई नो दैट, बहुत सारे स्कूल्स में दे टीचर्स ने नहीं कराया, स्किप किया एक्सेट्रा, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, बट नाइन्थ में था। नेक्स्ट, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे रिफ्रैक्शन का, तो उसके लिए रूल्स क्या है। यू हैव लर्न द रूल्स ऑफ ड्रॉइंग रे डायग्राम फॉर स्पेरिकल मिरर, सिमिलरली वन कैन ऑब्टेन द इमेज फॉर्म बाय लेंसेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम।
हम लोग उसी तरह से लेंसेज का भी इमेज, लेंसेज से मिलने वाला इमेज भी हम रे डायग्राम से ड्रॉ करके समझ सकते हैं, और वो ड्रॉ करके हम उसका नेचर, उसका साइज, उसका पोजीशन जान सकते हैं. वन कैन ऑब्टेन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, इन इस डायग्राम. सो उसके लिए कुछ रूल्स है ड्रॉ करने के लिए, कुछ देर आर सम रूल्स. इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस. वन कैन यूज द फॉलोइंग थ्री रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस. देखो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज आने के, इमेज ड्रॉ करने के लिए देर आर थ्री रूल्स. एग्जाम में दे आस्क दिस थ्री रूल्स, ये रूल्स पूछते हैं, ठीक है. व्हाट आर द थ्री रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस. तो बहुत सिंपल रूल्स है, ध्यान दो. रूल नंबर वन, जब भी मैं यहाँ पे हिंदी में बता दूँ फिर इसको इंग्लिश में रीड करता हूँ. जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पॉइंट से जाएगी. जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस पी. ये जो लाइन है ना प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्ट होके फोकस पॉइंट से जाएगी, ठीक है. अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे सर आपने कहा एंटर होते वक्त रिफ्रैक्ट हो रहा है, बाहर निकलते हुए रिफ्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे तो एक ही रिफ्रैक्शन दिख रहा है. तो ड्रॉइंग में एक ही बताएंगे, हर बार दो नहीं बताएंगे, ठीक है. जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट से जाएगी. सेकेंड रूल, जो रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से आ रही है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी. सिंपल, इसका उल्टा इनवर्स. इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस टू फोकस पॉइंट. एंड इफ द इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम द, इफ द इंसिडेंट रे इज कमिंग या इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दो रूल हो गए. थर्ड रूल, इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिक सेंटर से जा रही है तो वो बेंड नहीं होगी, वो जैसी आई, जो डायरेक्शन में आ रही उसी डायरेक्शन में जाएगी. अगर इंसिडेंट रे, जब भी इंसिडेंट रे ऑप्टिक सेंटर से आएगी वो बिना रिफ्रैक्ट हुए जाएगी. सपोज यहाँ से ही आ रही है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए ऐसी चली जाएगी, यहाँ से आ रही है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए ऐसी जाएगी. सो देर आर थ्री रूल्स, सिंपल, बहुत सिंपल तीन रूल्स है. इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे फोकस पॉइंट से जाएगी. इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे वो पैरेलल जाएगी. इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिक सेंटर से जा रही है तो वो बेंड नहीं होगी, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, यानी रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे सेम डायरेक्शन में जाएगी, बेंड नहीं होगा. तो रूल वन यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं. व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, फोकस पॉइंट को पैरेलल रहेगा. व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द, अगर इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से है तो वो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल रहेगी. इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस पॉइंट से जाएगी. इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से आ रही है तो पैरेलल रे पैरेलल ए रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस को. ऑलराइट. और अगर इंसिडेंट रे ओरिजिन से पास हो रही, ए ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही, ओ मींस ऑप्टिक सेंटर. व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिक सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं. ऑलराइट. इट पासिस विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन. तो वो पास होगी बिना डायरेक्शन के चेंजेस, मतलब कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्शन में. नेक्स्ट इज अगेन अ प्रैक्टिकल, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जो घर पे तो नहीं, स्कूल लैब में कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, इफ़ यू कैन मेक दिस सेटअप. ठीक है, एक लेंस रखना है, एक कैंडल चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए और स्केल चाहिए. ठीक है, आप कैंडल को आगे पीछे मूव कर सकते हो या कॉन्वेक्स लेंस को आगे पीछे मूव कर सकते हो. स्क्रीन पे उसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा. ठीक है, याद रखो हमेशा इमेज इन्वर्टेड बनता है. तो स्क्रीन पर कैंडल का इन्वर्ट उल्टा इमेज बनेगा, उसका फोकस रहना चाहिए फोकस. अब इसको हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं. तो ये ओरिजिन है यानी ऑप्टिक सेंटर का डिस्टेंस है और ये F1 to F2 ऐसे ही हम लोग डायग्राम में भी ड्रॉ करेंगे. तो रीड दिस वंस, यू विल गेट ईजली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आई डोंट थिंक सो दिस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपको ट्राई करने के लिए दिया गया है. नेक्स्ट, व्हाट आर रियल एंड वर्चुअल इमेज. अच्छा, ये क्वेश्चंस के आंसर्स आगे आ रहे हैं. रियल इमेज किसको कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं. हाउ विल यू फाइंड वेदर अ इमेज इज रियल और वर्चुअल. कैसे पता चलेगा इमेज रियल है या इमेज वर्चुअल है. कैन अ वर्चुअल इमेज भी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन.
क्या स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज ला सकते हैं एक्सेट्रा। तो लेट्स सी आगे होगा आंसर, आई होप सो। नहीं होगा तो मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट। बट ये वीडियो का साइज थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, 30 मिनट क्रॉस हो गए हैं। मैं ये टॉपिक कवर करके आई एम गोइंग टू स्टॉप बिकॉज थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है। ऑलराइट, प्रॉब्लम इज के वीडियो लेंदी होता है तो अपलोड होने बहुत टाइम लगता है। मीन्स इट टेक 12 आवर्स, 24 आवर्स एक्सेट्रा। तो आई एम स्टॉपिंग द वीडियो वही है। मैं यहाँ पे वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, रियल इमेज वर्चुअल इमेज नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। देखो शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में विल डू रे डायग्राम सम्स, ठीक है, और उसके बाद वाले वीडियो में ह्यूमन आई और फिर ह्यूमन आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो 3-4 वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आई एम सेइंग अगेन के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये काम तो पहले कर दो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, थैंक यू।